नमस्कार, मैं श्रुति बोरा स्वागत करती हूं आपका द नेशनल टीवी में। हम बात कर रहे हैं आज की मुख्य खबरों के बारे में। प्रियंका गांधी वाड्रा ने की अपनी तुलना अपनी दादी इंदिरा गांधी से, कहा सेवा की भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद दिलाया 2014 का चुनाव, कहा मैंने वादा किया था कि जब मैं आऊंगा तो प्रतिदिन लागू सरकार का एक कानून खत्म करूंगा। तिहाड़ जेल के मुस्लिम कैदी के पीठ पर जबरन लिखा ओम, शिकायत दर्ज कराने के बाद दिल्ली ने जेल प्रशासन को दिया रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए 24 घंटे का समय। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सभी मोदी चोर होते हैं क्या वाले बयान पर पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी को आया क्रोध, कहा राहुल को यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में घसीटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बैन खत्म होते ही अपशब्द इस्तेमाल किए, कहा बाबर की औलाद को देश सौंपना चाहते हो क्या। पहली भारतीय महिला एसआरएस बनी गगनदीप कांग, 358 वर्ष का तोड़ा इतिहास। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मांगा राहुल गांधी से जवाब, कहा बीजेपी के कार्यकाल में 2016 की तुलना में गरीबी 12.5 करोड़ से घटकर 5 करोड़ हो गई है। कप्तान विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दिलाई 9 मैचों में से दूसरी जीत, कोलकाता नाइट राइडर्स को मिली निराशाजनक हार। शुक्रवार को देर रात उत्तर प्रदेश में हावड़ा नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस के 12 कोच पटरी से उतरे, जिसमें से 4 कोच पलटे, हादसे में 14 लोग घायल। 22 साल पुराने हत्याकांड मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक अशोक सिंह चंदेल और 9 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।